सब थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। यस बिल्कुल भी हाइप नहीं है। और दो बड़ी मूवी आने वाली हैं 10 अप्रैल को, बड़े मियां छोटे मियां एंड मैदान। दोनों मूवी के जेनर अलग हैं, एक फॉलो करता है यानी बड़े मियां छोटे मियां फॉलो करता है फुल एक्शन मास मसाला को, जिसमें स्पाई यूनिवर्स का थोड़ा तो बहुत तड़का भी हमें देखने को मिल जाएगा। एडवांस हाईटेक जो वेपन्स वगैरह है एंड जब साइबॉग यूनिवर्स या फिर क्लोन, ये सब देखने को मिल जाएगा उसमें। दूसरा फॉलो करता है स्पोर्ट्स को, इंस्पिरेशन मोटिवेशन स्ट्रगल लाइफ को, देन उसके बाद हिस्ट्री से इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिल जाएगी वो भी फॉलो करेगा। तो मैदान ये सब फॉलो करने वाली है, लेकिन भाई दोनों मूवी की वो वाली हाइप नहीं है जिस लेवल की हाइप इनमें होनी चाहिए और जिस लेवल का इनमें स्टार है। भाई फेस जो है इसमें सुपर डुपर स्टार फेस है। और दोनों मूवीज ने अपने ब्रह्मास्त्र फेंक दिए हैं, यानी अपना ट्रेलर जो फाइनल ट्रेलर है वो रिलीज कर दिया है। लाइक बड़े मियां छोटे मियां ने 3 से 4 दिन पहले तक अपना ट्रेलर रिलीज कर दिया था, एंड मैदान मूवी ने, मैदान के मेकर्स ने कल को अपना ट्रेलर रिलीज कर दिया, जो बहुत गेम चेंजिंग साबित हुआ है। क्योंकि अभी तक बड़े मियां छोटे मियां का ही डोमिनेशन देखने को मिल रहा था कि 10 अप्रैल को भाई ये मूवी आने वाली है, लेकिन जब कल ट्रेलर रिलीज हुआ है लोगों के जहन में ये वाली बात भी घुस गई है कि भाई साहब 10 अप्रैल को ये मूवी भी आ गई, यानी अपने पास एक और चॉइस है इसे देखने के लिए। और लिटरली मैदान का ट्रेलर दमदार है भाई, दोनों ट्रेलर की अगर मैं बात करूं दोनों ही दमदार हैं, दोनों अपने अपने जगह पर फाड़ू ट्रेलर्स हैं। लेकिन बात यह है कि भाई मुट्ठी भर इनके पास ऑडियंस है, क्योंकि वो हाई लेवल के हाइप नहीं है जैसा अभी हमने देखा है। भाई पुष्पा का जो टीजर अनाउंसमेंट कल हुआ था, परसों दोपहर या फिर परसों शाम से ही वो जबरदस्त ट्रेंडिंग पे चल रहे थे, 3-4 हैशटैग्स, इतने हैशटैग्स तो मैदान के भी नहीं चले थे जबकि कल उसका ट्रेलर रिलीज हुआ था। और 10 अप्रैल को मूवी आ जाएगी, लेकिन अभी 8 अप्रैल को पुष्पा 2 का टीजर आने वाला है, लेकिन मूवी अभी भाई साहब अगस्त में आएगी। लेकिन उससे पहले ही वो स्टॉर्म लाना, वो तूफान लाना, वो सोशल मीडिया पर सुनामी चल रही थी भाई, वो वाली हाइप इन मूवीज के पास नहीं है। अगर वैसी भी आ गई तो भाई अच्छा खासा कलेक्शन इनके पास हो जाएगा। भाई दो मैदान तो अपना अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि इस मूवी का बजट कोई ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 करोड़ के आसपास इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। बोनी कपूर के ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके मेकर्स के डायरेक्शन में इस मूवी को बनाया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का बहुत बड़ा बजट बताया जा रहा है, अभी तक 250 से 300 करोड़ देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी मैंने लास्ट चेक किया तो 350 करोड़ का बजट बड़ी मियाँ छोटे मियाँ का दिखाया जा रहा है, जो सलार मूवी से भी बजट भारी है, क्योंकि सलार मूवी का 270 या 280 करोड़ के आसपास मूवी बजट था। हो सकता है कि जो प्रमोशन चल रहे हैं भाई साहब बड़े मियाँ छोटे मियाँ के जो मेकर्स हैं भाई, वो बिल्कुल भी कमी नहीं कर रहे हैं अपने प्रमोशंस में, ग्रैंड प्रमोशन चल रहे हैं, लेकिन मैदान के मेकर्स वो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं जैसा प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन हाँ फिर भी देखा जाए तो भाई लग रहा है कि मैदान अच्छी खासी हाइप लूट ले जाएगा, अच्छा खासा कलेक्शन यहाँ से लेके चला जाएगा। लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ 350 करोड़ का ये बजट है भाई, क्या इसको रिकवरी ये लोग कर डालेंगे? क्योंकि जिस हिसाब का इसका बजट है उस हिसाब की इसकी बिल्कुल भी हाइप नहीं है। क्योंकि भाई हाइप मेंटेन करने का मतलब ये है कि न्यूट्रल ऑडियंस का भी भरोसा यहाँ पर खींचना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल ऑडियंस, खैर मैं बार बार ये टर्म इस्तेमाल करता हूँ, न्यूट्रल ऑडियंस है क्या? न्यूट्रल ऑडियंस वो ऑडियंस है जो भाई जो दिन जो अपने डेली रूटीन में एक ही टाइप का काम करते हैं और उनका फोकस ही होता है, बस उन्हें एक गैप चाहिए होता है अपने उस पेस से, अपने वो डेली रूटीन से। तो एंटरटेनमेंट के लिए अगर वो चुनते हैं तो सस्ते में इजीली अवेलेबल अपना सिनेमा है और वो वहां से जो भी अपना एंटरटेनमेंट लेते हैं देन अपना डेली रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। मतलब उन्हें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, कौन सी बड़ी मूवी है इसको फॉलो करना है, इसे सपोर्ट करना है, वो उन्हें डजेंट मैटर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फ्लॉप हो या पिट जाए या हिट हो जाए। बस हाँ डाई हार्ड फैन को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो फुल उम्मीद लगा के बैठते हैं भाई साहब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अलग डाई हार्ड फैन है, मैदान के अलग डाई हार्ड फैन है, वो एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे हैं इस टाइम पर कि भाई ये मूवी पिट जाएगी वो मूवी पिट जाएगी। फिलहाल एक ही दिन पर अगर ये मूवी नहीं निकालते, क्योंकि दोनों मूवी दमदार होने वाली है, एक्शन के मामले में अगर जाए तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ बिल्कुल भी कम आग नहीं मूतेगा। सलार जैसे एक्शन हमने जब वहां देखा था वो भारी भरकम बीजीएम, वो दुनिया भर का एक्शन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइगर श्रॉफ है एंड अक्षय कुमार है भाई, वो बिल्कुल भी कमी नहीं करेंगे। देन उसके बाद अगर आपको स्पोर्ट्स हिस्ट्री में देखना है एंड रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में आपको चाहिए ये ऐसा कंटेंट, देन उसका मोटिवेशन इंस्पिरेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई मूवी भी नहीं आई थी, लाइक चक दे इंडिया जैसी मूवी अगर ये निकल जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। फिलहाल अगर बुक माई शो इंटरेस्टेड की बात करें तो दोनों ही मूवी के सेम चल रही है। लाइक मैदान ने जब भी अपना ट्रेलर रिलीज किया था उसके बाद बहुत अच्छा बुक माई शो इंटरेस्टेड ने देखने को मिला है, 86,000 बुक माई शो इंटरेस्टेड मैदान का चल रहा है एंड 87,000 के आसपास बड़े मियाँ छोटे मियाँ का बुक माई शो इंटरेस्टेड चल रहा है।
तो अगर एक नजर मारें कि भाई साहब इन दोनों मूवीज की हाइप आखिर बन क्यों नहीं रही है, जिनमें से बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में एक ठोस कारण ये हो सकता है कि भाई हर दिन कोई मटर पनीर नहीं खा सकता। हर दिन मटर पनीर खाओ लेकिन फिर बाद में वो मटर पनीर जैसा नहीं रहेगा ना। जो स्पेशलिटी हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, जो लजीजियत उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ नहीं आ पाएगी। वो सेम चीज़ यही कि भाई साहब इन दोनों एक्टर्स की मूवी, यानी अजय देवगन हो गए और अक्षय कुमार हो गए, हर दूसरे से तीसरे महीने में हमें इनकी एक मूवी देखने को मिल जाती है। लाइक अजय देवगन की शैतान मूवी अभी आई है, उसे 1.5 महीना भी आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी मैदान, देन उसके बाद अभी सिंघम 3 आने वाली है। तो पीपल वांट समथिंग डिफरेंट इन देयर डेली लाइफ, बस यही बात हो सकती है भाई साहब मेरे नज़र में। तो यही हो सकता है, आपके हिसाब से और क्या हो सकता है कि हाइप आखिर वो क्यों नहीं बन रही है? दूसरा भाई, दोनों मूवी कितना कलेक्शन करने वाली है, क्या दोनों मूवी 500 करोड़ का हिसाब किताब ठोकने का दमखम रखती हैं? तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय।